बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मदिन नबियिल उम्मी व अला आलिही व सहाबिही व इत्तबाईही बिअज़मति कुल्लि मालूमिना का व बिअज़मति खल्क़ि का व रिज़ा नफ़्सि का व ज़ीनत अर्शि का व मिदादा कलिमाति का। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आज 11 रजब है। आज के दिन 1364 हिजरी को हमारे वीरों मुर्शिद हजरत अबू अली कुर्सी और अली अंग्रेजी फौज से इस्तीफा देकर अल्लाह की राह में निकले और अंग्रेज के खौफ मराहत और पैरिस और तहरीर के हर हमले को नाकाम बनाकर अपने अजम पे चट्टान की तरह डटे रहे। बिल आकर उसे जबरदस्त शिकस्त का सामना करके हार माननी पड़ी। माशाल्लाह, आपने आज के दिन को यौम इस्तकामत के नाम से मौसूम फरमाया और दर हकीकत इस्तकामत की जिंदा मिसाल पेश की। इसी हवाले से मकालात हिकमत में से कुछ तस्करा सुने। इन मकालात हिकमत की तरतीब व तरतीब मजलिस निसा साहबजादी अली सफदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अबू अली मोहम्मद बख्श करी कुर्सी और अजीज ने फरमाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम इस्तकामत, इस्तकामत की, इस्तकामत क्या है? किसी अमर के चट्टान की तरह डर जाना, बाज़े मुखालिफ के किसी झोंके को खातिर में ना लाना, कुछ बचे ना बचे, कुछ रहे ना रहे, हर शहर लुट जाए मगर कदम पीछे ना हटे। और ये अज़मुल उमूर में से है, बच्चों का खेल नहीं। अज़्मो इस्तकामत का तज़करा बज़्मे कौनैन की तारीख का ज़रीं बाब है और इसी से बज़्मे हस्ती में कैद है। तकदीस के चार मकाम हैं, सईद, मसूद, मुबारक, मुकर्रम, जहां ये चारों बाहम मुतहदो मुत्सल मरबूत हो जाते हैं, मुकद्दस कहलाते हैं। तेरी जिंदगी का वो दिन जिस दिन तुझे तेरे अज़्म पे इस्तकामत नसीब हो, मुतबरक व मुकद्दस है। देखने वाली चीज तो वो दिन था और दिन क्या होते हैं, महवे खुमार। देखने वाला दिन तो वो दिन था, अजम इस्तकामत से आरास्ता हुआ, बाल बाल से खुमार टपकने लगा, लहरा लहरा कर चला, इठला इठला कर बढ़ा, गफलत के पर्दे चाक करके, अलाइक की जंजीरें तोड़कर, हर रिश्ते से मुंह मोड़कर, मौत हयात से बेनियाज अपनी मंजिल की जानिब दीवाना वार पड़ता चला गया। उसकी एक ही जुम्बश से राह की रुकावटें दम तोड़ गईं। उसकी यलगार के आगे तुम दो तेज मेले भी ठहर न सके, तूफान उसका तवाफ करने लगे, गर्दाव कितने राह बन गए। इब्लीस का गुरूर खाक में मिल गया, उसकी तनी हुई गर्दन झुक गई, सारे मंसूबे बिखर कर रह गए, हथियार धरे के धरे रह गए, बसात से खन्नास खतियाने होकर रह गए, इक्तदार दौलत का गुरूर घुटने टेक गया। दुनिया अपनी तमाम रानाइयों के साथ उसके आगे हाथ बांधे खड़ी हो गई,
मगर उसने आप गुना कर भी ना देखा। साल 1945 सुबह शाम ने कितनी करवटें बदली। दुनिया में एक से एक इंकलाब आए, जमाने ने रंगा रंग रंगते बदली, हर शे बदली, मगर अजम अजम अटल होता है, बदला नहीं जाता। हवाओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, सहराओं में, बस्तियों में, वीरानों में, हर जगह उसकी शौक से सदा का चर्चा। बंदा अजम को अपना का ही बंदा कहलाया। मर जब किसी काम को करने का अजम कर लेते हैं, करके ही रहते हैं, कभी नहीं डरते, चल सकते ही नहीं, अगर चेकोकाफ की वादी को पार करना पड़े। तरीकत का दारो मदार तरफ पे मौकूफ होता है। दुनिया तरीकत में गिनती के चंद बंदे होते हैं जिनकी तरफ खालिस पुख्ता और तमाम होती है, जो अपनी तरफ कभी नहीं बदलते, बिल्कुल नहीं बदलते। एक ने उनके लिए अपने दिल को दुनिया और दीन की हर तरफ से खुलियतन पाक किया, हत्ता कि उनके सिवा उसमें किसी भी शय की कोई तरफ बाकी न रही। फिर वो खराब नाज से अकेलिया करता हुआ उनकी राह में निकला। उसने कहा कि उस वक्त उसके हमरा उसकी हर शय थी, दिल साथ था, जान साथ थी, रूह साथ थी, नफ्स साथ था, धूरे साथ थी और गर्मान साथ थे। बोया उस पर ये नन्ना सा कारवा कुल कायनात पे मुस्तमिल था। जब ये कारवा अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में निकला, अल्लाह के सिवा कोई और रद्दो खायत ना थी, बिल्कुल न थी, ना कोई दीनी गरज न दुनियावी, उस वक्त अल्लाह की रहमत ने उसका इस्तकबाल किया। हज़रत अक़दसु अतमल अकरमो अजमल अत्तैबो अतहर रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, काली कमरी में छुपा लिया, रूही फैज से मुशर्रफ फरमाकर खजानों की कुंजियां बख्श दी। और ये आयात की हद है माशाल्लाह। एक ने पूछा कि तुम जिंदगी का ये सारा साधो सामान लिए कहां जा रहे हो और क्या लेने जा रहे हो? उसने कहा कि अगर वो मिले घर का घर बेचता हूं, अगर वो मिले घर का घर बेचता हूं, मैं हस्ती की सारी दुकान बेचता हूं, जरो माल दुनिया तो है ही क्या चीज, मैं कलबो नफ्स रूह हो जा बेचता हूं। फिर उसके बाद किसी ने भी कभी उससे कोई सवाल नहीं किया। करके दुनिया बच्चों का खेल नहीं, मर्दों का अखाड़ा है। इस मैदान में बड़े बड़े जवान मर्द घुटने टेक गए। ये मंजर कठिन है, मुश्किल तरीन भी कहें तो बेजा नहीं। हर कोई ना उसका मुतहम्मल हो सकता है ना गुजर सकता है। दावेदार हजार, दावेदार हजार, साहिब हाल खाल खाल, दिन बदलते रहते हैं, हाल कभी नहीं बदलता, अवधि होता है। सदी गुजरने पे आई कसर और अजम क्यों का तू? दम गुजर रहा है, तारीख बदल रही है, रुत पे रुत बीत रही है, अजम पुख्ता है और रास कोई भी शय उसे बदल न सकी। यू का तू कायम उदायम पूरी आन और शान से कमर बंद रहा, हथकोले उसे उखाड़ न सके, मौजें उठी
गर्दाब से हमकिनार हुई, जोश अमल फना न हुआ। यही इब्तदा थी, यही इंतहा। इंतहा पाकर मुसाफिर ने ये लगाई, सफर पे गामजन हुआ और कहे जा रहा था हवादत उसे देर न कर सके। सरगू हुए और अफसोसा, न जौक कम हुआ न शौक। अहले जौक इसे इस्तकामत कहते हैं। तारीख आदम और तारीख इस्लाम की तमाम नाकाबिले प्रामोश दास्तानें इस्तकामत ही की दास्तानें हैं। अपने कौल पे साबित कदम रहना जिंदगी की एक दास्तान होती है जो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं उठती, आने वाली हर दास्तान का रुवान बन जाती है। मुद्दत गुजरी, मैं बेफिक्र होकर कभी नहीं सोया। हर वक्त हर हाल में जो कौल किया था सारी रहा। तारीख ने आदम साहब के सैद को जिसके वो आखिर तब तक साबित कर रहा और साफी कबैयत सबूत दिया, हमेशा जिंदा उठाए रखा, कभी अगर अंदाज न किया। मिलो कबूल फरमाकर अपनी बरकात से नवाजा, बाकी हर शह मैद कर दी और यही तारीख का अपनी दस्तूर है। ऐद की हजार हा साल तारीख में सिर्फ चंद ऐद जिंदा है, यूं के तू कायम माशाल्लाह। फैज हमेशा बरकरार रहा, कभी जाहिर में जलवा नुमाई की, कभी बातों में। हमने वहां सिर्फ एक वादा किया था। तेरा शुक्र एहसान है कि हम अपने उस वादे पर हर फन कारबंद है। वो वादा ये था कि जिस दुनिया को आज हम हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह रहे हैं, तेरी कसम जब तक हम तेरी इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, इस दुनिया की किसी भी चीज को और किसी भी रंग में कभी कबूल न करेंगे। वल्लाह बिल्लाह तल्ला 1364 हिजरी। जब वो दुनिया के बाजार में से गुजरा, सारा बाजार उठ खड़ा हुआ, उसका पुरतफाक इस्तकबाल किया, बाजार की हर शह लाकर उसे पेश कर दी, मोती पेश किए, हीरे पेश किए, लाल पेश किए, गौहर पेश किए। उसने अखलाक के दफ्तर में कसम खाकर कहा कि उसने किसी भी चीज की तरह मुतलिक नहीं देखा। उसके दिल में अल्लाह के सिवा, अल्लाह की कसम, किसी भी शय की कोई तलब बाकी ना थी। उसका दिल हर शय से खाली और बिल्कुल खाली था। जिस तरह खाली हाथ बाजार में दाखिल हुआ था, उसी तरह खाली हाथ लौट गया। और ये उसके उसकी अल्लाह का खास इनाम था, वरना दुनिया के भरे बाजार में से कभी कोई सलामत नहीं लौटा। बड़े बड़े आदमी छोटी छोटी बातों में उलझे और इस बाजार से वही बचकर निकला जिसे अल्लाह ने बचाया। इसमें उसका कोई कमाल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुतलिक नहीं। ये जो कुछ भी हुआ अल्लाह ही की तौफीक और कुदरत से हुआ, अल्लाह ही के लिए हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खत्मुल कलाम है, माशाल्लाह। या हय्यु या क्यूम, अल्हम्दुलिल्लाह हय्यु क्यूम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल।